मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि मक्ली के साथ पता नहीं कौन सी अटैचमेंट है मेरी कि ये मक्ली मुझे घूम फिर के अपने पास बुलाता है किसी भी काम से। आज मैं आया हूँ, BBC के साथ एक इंटरव्यू है हमारा और कुछ सर्विसेज हैं गूगल की जो कि फीचर हो रही हैं BBC में, शहर खामोशा जो है, और इसमें 10 किलोमीटर का जो एरिया है उसमें लाखों बादशाह दफन हैं और बुज़ुर्गान दीन हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन्फ्लुएंशियल थे। तो यहाँ से गांव जाते हुए या टूरिस्ट के साथ एज ए ट्रैवल गाइड जैसे मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ या स्टोरी कवरेज, पता नहीं क्यों ये मक्ली जो है वो हर बार मुझे अपने पास बुलाता है। मक्ली के खूबसूरत तरीन मकबरों में से सबसे खूबसूरत मकबरा जो है वो सुल्तान जाम निज़ामुद्दीन का है और आप देखते हैं कि स्टोन कार्विंग हुई हुई है इस पर और बहुत ही खूबसूरत से नक्शो नगार इस पर हाथ से बने हुए, ये हाथ से और हथौड़ी से बने हुए, एक छेनी होती है उससे बने हुए हैं और उसके साथ साथ अरबी खत्ताती भी आपको नज़र आएगी और इसके अंदर एक खुफिया रास्ता भी है जो ऊपर की तरफ जाता है तो वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। ये 14वीं सदी का एक मकबरा है जाम निज़ामुद्दीन का जो कि 700 साल पुराना हो चुका है लेकिन ये अपनी वैसी की वैसी हालत में है। कुछ दरारें जो हैं वो इसमें पड़ गई हैं लेकिन इसको देख सकते हैं आप कितनी खूबसूरती के साथ इसको नक्शो नगार जिसमें ये आपको खत्ताती नज़र आ रही है और इसके साथ ये इसके नक्शो नगार हैं। ये जितना भी काम आपको नज़र आ रहा है ये हाथ का बना हुआ है और छेनी और हथौड़ी के ज़रिए बना गया है, पूरा का पूरा हैंडमेड है ये। और आप इसको देखेंगे यहाँ पर अरबी खत्ताती भी हुई हुई है इसके ऊपर और यहाँ से आपको दूसरे किस्म के भी मुख्तलिफ किस्म के हाथ से बनी हुई तज़ीन और आराइश नज़र आएंगी। यहाँ के खूबसूरत तरीन मकबरों में से ये एक मकबरा है, इसके अलावा ईसा खान तरखान का एक मकबरा है और इसके अंदर 6 से 7 कब्रें हैं खत्ताती और ये आपको देखें हाथ से बना हुआ काम है और ये यूनेस्को की हेरिटेज साइट है। ये पैरामीटर्स हैं आपको नज़र आ रहे हैं जो कि हेरिटेज साइट्स में जहाँ दरारें पड़ती हैं तो उसको नापने के लिए कि इसमें कितने फ़ीसद दरार पड़ रही है, कितने इंच की दरार पड़ रही है, तो उसको देखने के लिए यहाँ पर ये पैरामीटर्स लगाए गए ताकि हम उसको मेंटेन कर सकें, यहाँ का जो डिपार्टमेंट है वो इसकी देखभाल के लिए। ये इसका पूरा मंज़र है ऊपर से। Yeah.